बिसमीमल व वक्त हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स बेटा दिस इज़ योर कंप्यूटर पीरियड एंड विल कंटिन्यू आर यूनिट नंबर वन फर्स्टाइड दुआ विद मी हॉपा ओ माय लॉर्ड इंक्रीज़ माय नॉलेज ओपन पेज नंबर फ़ोर बेटे सो वी आर ऑन पेज नंबर फ़ोर एंड रिमेंबर विच चैप्टर वी वॉज स्टडिंग यूजेस ऑफ कंप्यूटर वी वर स्टडिंग डिफरेंट यूजेस ऑफ़ कंप्यूटर इन डिफरेंट प्लेसेस सो टुडे विल कंटिन्यू द हेडिंग इज़ इन बैंक्स कंप्यूटर यूज़ होते हैं बैंक्स में भी कैसे यूज़ होते हैं जो कस्टमर्स होते हैं उनकी अकाउंट डिटेल को सेव करने के लिए उनको उनका बैंक स्टेटमेंट निकाल कर प्रिंट निकाल कर देने के लिए इसके अलावा ये मशीन आपको नज़र आ रही है दिस इज दी एम मशीन आप सब ने इसको देखा होगा और आपके पैंस को यूज़ भी करते हैं यहाँ से हम मनी अपनी निकलवा सकते हैं अपने अकाउंट में से ट्वेंटी फोर बाय सेवन चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो हम जाते हैं और अपने पैसे निकलवा लेते हैं जब भी हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग होती है बेटे अब बैंक में हमें लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है हम घर बैठे ही अपनी बैंक में से जो ट्रांजेक्शन होती है पैसे निकलवाने हैं पैसे डलवाने वो सारे काम घर बैठ हो सकते हैं इसके अलावा जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है गैस का बिल होता है पानी का बिल होता है ये सारे बिल भी हम घर बैठे जमा करवा सकते हैं नेक्स्ट nice हेडिंग है बेटे इन डिज़ाइनिंग डिजाइनिंग में भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा होता है क्या क्या चीज़ों की डिज़ाइनिंग में इवन आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं इसको बिल्डिंग डिज़ाइन करने में हाउस डिज़ाइन करने में इंजीनियर्स यूज़ कर रहे होते हैं कार डिज़ाइनिंग में एरोप्लेन डिजाइनिंग में और दूसरे अपने टूल्स डिजाइनिंग में इवन आप ये पिक्चर देखें इस पिक्चर में आपको कौन नजर आ रहा है ये ड्रेसेस लटके हुए हैं और ये एक ड्रेस डिज़ाइनर हैं तो ड्रेस डिज़ाइनर भी अपने कपड़ों के डिज़ाइनिंग के लिए कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं आजकल तो कंप्यूटर हर फील्ड में यूज़ हो रहा है अच्छा ये पढ़ लेते हैं डिड यू नो कंप्यूटर्स आर यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट सचेज न्यूज़ लेटर्स एंड बुक्स फॉर कमर्शियल प्रिंटिंग दिस इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो नेट जो न्यूज लेटर्स होते हैं और जो बुक्स होती हैं उसको भी प्रिंट करने के लिए कमर्शियल प्रिंट कहलाता है ये उसके लिए भी कंप्यूटर यूज हो रहे होते हैं ठीक है नाउ द नेक्स्ट यूज इज़ इन शॉप्स एंड होटल्स देखा है आपने शॉप्स में भी देखे हैं कंप्यूटर रखे हुए होते हैं किस काम के लिए होते हैं वो बिल बना के दे रहे होते हैं हाँ ये पिक्चर भी दी हुई है कस्टमर ने पूरी इसमें शॉपिंग कर ली है और उसके बाद जब वो पेमेंट के लिए आए हैं तो उनके सारा रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है कंप्यूटर पे चेक हो रहा है और उसके बाद उनको बिल भी यहाँ से दिया जा रहा है इसके अलावा बेटे जो शॉपकीपर्स होते हैं उनकी दुकान में किस चीज़ का कितना स्टॉक है हर चीज़ की प्राइस कितनी है ये सारे रिकॉर्ड मैंटेन कहाँ हो रहे होते हैं कंप्यूटर पर हो रहे होते हैं अच्छा उसके बाद हेडिंग है इन कंप्यूटर कंट्रोल कैमरास जो कैमरास लगे होते हैं बेटे सीसीटीवी कैमरास आपके स्कूल में भी लगे हुए हैं वो सीसीटीवी कैमरास भी कहाँ से ऑपरेट हो रहे होते हैं कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें इसके अलावा और भी कैमरास होते हैं जो कि कहाँ पर होते हैं बैंक्स में भी होते हैं स्टोर्स में भी होते हैं देखा है ना आपने मुख्तलिफ़हों पर ताकि हम देख सकें कि पीपल्स की एक्टिविटीज़ क्या हैं और अपने जो वहाँ पर जो थीफ वगैरह हैं ख़ुदा न खासा उनसे भी सेफ़ हुआ जा सके इस इसके अलावा बेटे हाईवेज पे भी कंप्यूटर कंट्रोल कैमरास लगे होते हैं ताकि जो व्हीकल्स होती हैं जो ओवर स्पीडिंग कर रही होती हैं जिनसे एक्सीडेंट हो जाता है जो भी फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स नहीं कर रहे होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके अच्छा इसके अलावा कैमरास आपको पता है कि डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं क्या करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर वो इंसर्ट करते हैं ये देखने के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर क्या डिजीज़ है उसको डायग्नोज करने के लिए छोटे छोटे कैमराज होते हैं उनको वो यूज़ कर रहे होते हैं अदर दैन दिस बेटे जो कैमरास कंप्यूटर में लगे हुए होते हैं वो हमारे लिए पिक्चर ले आते हैं कहाँ की पिक्चर ले आते हैं डीपेस्ट ओशंस की समंदर के बहुत अंदर जाकर भी वो कैमरा हमारे पिक्चर खींच देते हैं वॉल कैनोस के अंदर ले, ले लेते हैं और जो गैलेक्सीज स्पेस में मौजूद हैं बहुत दूर दूर उन सब की पिक्चर्स भी वो ला सकते हैं ये पढ़ लेते हैं डिड यू नो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज बाय द पॉलिस फॉर फिंगर प्रिंट मैचिंग विच हैव टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स स्केचिस ऑफ क्रिमिनल्स कैन ऑल्सो भी क्रिएटेड ऑन कंप्यूटर्स एंड चेंजेस मेड सच एस एडिंग और रिमूविंग अ बियड एक्सेट्रा कंप्यूटर जो है वो पुलिस वाले भी यूज़ कर रहे होते हैं फिंगर प्रिंट मैचिंग के लिए उनके पास रिकॉर्ड होता है तो जो क्रिमिनल्स होते हैं अगर उनके फिंगर प्रिट्स होते हैं तो उससे मैच करने के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं इसके अलावा क्रिमिनल्स के स्केच बनाने के लिए आपने टी वी में देखा होगा ना बेटे कि अगर कहीं पर कोई चोरी हो जाती है या कोई भी ऐसा वा, ऐसी वारदात हो जाती है तो फिर

जरस प्लेस पर जा सकते हैं जैसे कि डीप अंडर वाटर पानी के बहुत अंदर जाना इंसान के लिए डेंजरस है ना बेटे तो यहाँ पर इंसान क्या करता है रोबोट को भिजवा देता है इसके अलावा क्या देखने के लिए ताकि वहाँ पर जो मिनरल्स हैं उनको भी देखा जा सके और जो सन शिप जो शिप डूब जाती हैं अंदर चली जाती हैं उनको भी चेक किया जा सके इसके अलावा वॉल्केकिनोज के अंदर चले जाते हैं दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं और एवन ये डॉक्टर्स की भी हेल्प करते हैं उनके ऑपरेशंस में अच्छा नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास इन एयरलाइन एंड रेलवे रिज़र्वेशन ऑफिस ये नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें एयर एयरलाइन और रेलवे की जो टिकट रिज़र्व करवा रहे होते हैं पैसेंजर्स उसके लिए अब कैमरास यूज़ होते हैं देखिए यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है कंप्यूटर्स फॉर एयरलाइन एंड रेलवे रिज़र्वेशन और अब तो ये लाइन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है अभी आपको कहीं जाना होता है ट्रैवल करना होता है आप घर बैठे अपना कंप्यूटर खोलते हैं और उसमें आप अपनी रिज़र्वेशन करवा लेते हैं वहीं से आपकी डेट डे आपकी फ़्लाइट नंबर अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो उसकी सीट नंबर पर उस सब चीजें हो जाती हैं और इवन आपके हाथ में टिकट भी आ जाता है ठीक है तो सारी चीजें बड़ी कॉमन हो रही हैं नाउ द पेज, ओके ऑन पेज नंबर सिक्स बेटे, वी हैव ट्रिकेट के टर्म्स फर्स्ट टर्म क्या है एनिमेशन एनिमेशन क्या है द टेक्निक ऑफ़ गिविंग एन ऑब्जेक्ट और अ कैरेक्टर द अपेयरेंस ऑफ मूवमेंट हमने पढ़ा था ना कि जो एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं उसमें क्या करते हैं कि अगर कोई कैरेक्टर बना लिया तो उसको मूवमेंट कैसे करवानी है वो बात भी कर सकता है वो चल भी सकता है वो खा भी सकता है वो, भी सकता है, वो खेल भी सकता है तो दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड द एनिमेशन एंड सेकेंड टर्म इज़ ए टी एम ए टी एम का फुल फॉर्म क्या है बेटे ऑटोमेटेड टेलर मशीन ठीक है ए टी एम तो हम कहते ही हैं लेकिन इसकी फुल फॉर्म भी आपको लर्न करनी है मेमोरी बाइट्स हैं मेमोरी बाइट्स का मतलब क्या है कि जो कुछ हमने चैप्टर में पढ़ा है उसकी समरी है तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट होम एंड इन स्कूल्स टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट्स एंड एनिमेशंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी इन ऑफिसेस एंड लाइब्रेरीज इन हॉस्पिटल्स एंड बैंक्स in designing in shops and hotels in computer controlled cameras in robot for airline and railway reservation so beta with this we have completed our unit number 1 alhamdulillah you read throughout uh, through the, out the chapter and then we will do the exercise in next class assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh